हेलो गाइस, अमित निक मूर्ति क्रिएटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को शिव जी का मूर्ति तांडव करते हुए बना करके और कलर करके दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहे और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा वीडियो को। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि मोल्ड का वीडियो हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो मोल्ड वाला वीडियो प्रोसेस में है और मूर्ति बनाते बनाते मोल्ड बनाना रहता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा मोल्ड में टाइम लगता है। तो मोल्ड का वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा देखने को। और एक शिव जी का मूर्ति बनाने के लिए एक तकदम दो कील ठोक दी हैं और उसमें लोहे की वायर बांध दी है धागे की मदद से, और उसमें पैर की चिपका दिए थे ताकि मजबूत हो जाए। तार से बांधते तो नहीं चिपकाने की जरूरत पड़ता। अब इसमें मिट्टी लगा रहे हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, और इसमें जो मिट्टी यूज कर रहे हैं वो केवाल मिट्टी है, ये बहुत ही अच्छा मिट्टी होता है। दूसरे पैर में भी मिट्टी लगा देंगे, तो अभी नॉर्मल सिर्फ मिट्टी लगा रहे हैं, उसके बाद फिर पैर का पूरा शेप देंगे। अब बॉडी के लिए मिट्टी लगा रहे हैं, तो अभी पैर का शेप नहीं बनाया है, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल मिट्टी लगा रहे हैं। हल्के हल्के करके पैर का शेप दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा करके। अब दूसरा पैर का शेप तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हैं एंगी वाले शिव जी का मूर्ति। अब बॉडी के लिए मिट्टी लगा रहे हैं, तो हल्के हल्के करके बॉडी का शेप दे रहे हैं। और सीने के पास अब मिट्टी लगा रहे हैं, अब दूसरे सीने के पास भी मिट्टी लगा रहे हैं। और सीने के साइड से मिट्टी लगा रहे हैं, तो इस तरीके से बॉडी को तैयार कर रहे हैं जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी लगा रहे हैं। तो शिव जी का पूरा सिक्स पैक बना रहे हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अगर जो आप लोग को वीडियो से लेकर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अभी इसे ब्रश से पेंट कर देते हैं। अब शिव जी का शेर का मतलब बाघ का छाला बना कपड़ा बना रहे हैं। तो पीछे से बाघ का छाला वाला जो कपड़ा बनाए थे वो थोड़ा बड़ा बना दिए कि आगे से दिख रहा है। अब टूल की मदद से डिजाइन कर रहे हैं। और टूल की मदद से कमर के पास से डिजाइन कर रहे हैं। अब शिव जी का हाथ बना रहे हैं, तो लंबा सा बेल करके और मोड़ करके हाथ का डिजाइन कर रहे हैं। तो हल्के हल्के करके हाथ में बॉडी का डिजाइन करेंगे। और इसी तरीका से इजी तरीका से हाथ को जोड़ देते हैं। अब दूसरा हाथ को जोड़ रहे हैं उसी तरीके से।
पीछे से दो हाथ जोड़ देंगे। तो अच्छे से पीछे से हाथ जोड़ देंगे। अब स्टिक लगा दिए फेस लगाने के लिए। अब नेक्स्ट एक काम कर रहे हैं, और कंधे के पास हल्का हल्का करके मिट्टी लगा रहे हैं। अब शिव जी का फेस को रेडी करेंगे। तो देखिए फेस शिव जी का किस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहले बाल का डिजाइन के पास से स्टार्ट किए हैं, अब एक लाइन खींच करके और आईब्रो के पास से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आँख का डिजाइन कर रहे हैं टूल की मदद से। अगर जो आप लोग पास टूल नहीं है तो टूल मेकिंग वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। अब होंठ बना करके शिव जी का फेस को रेडी कर दिया, ब्रश से पेंट कर देते हैं और गले पास मिट्टी लगा करके शिव जी का फेस को जोड़ देंगे इसी तरीके से। तो शिव जी का जो फेस है छुपा करके जोड़े हैं, क्योंकि वो हाथ के पास फोकस रहना चाहिए शिव जी को, और गले में सांप बना देंगे। और पेट के पास एक स्टिक लगा दिए हैं जिसमें कि कंकाल को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, और ये सांप सिंपल सा सांप बना दिए, और लंबा लंबा करके बाल को जोड़ देंगे। अब शिव जी का खोपा को डिजाइन कर रहे हैं, जटा बना रहे हैं। हल्के हल्के करके बाल में लंबा लंबा करके मिट्टी चिपका रहे हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, शिव जी का मूर्ति को कलर करके भी दिखाएंगे और माथे पे चांद बना दिए और ये कंकाल को जोड़ देंगे इसी तरीके से स्टिक में। थोड़ा आवाज़ फंस रहा है क्योंकि उनको थोड़ा खांसी हो गया, इसलिए थोड़ा आवाज़ फंस फंस के बोल रहे हैं। और ये दूसरा हाथ भी लगा दिए शिव जी का। तो एक एक करके उंगली को जोड़ करके हाथ को बनाएं और ये अंगूठा भी जोड़ देंगे। अब पीछे वाला हाथ में तिलचुल दे देंगे, तो तिलचुल बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले स्टिक लगा देते हैं। और ये शिव जी का पैर में रुद्राक्ष बना देते हैं। अब मूर्ति ड्राई हो चुका है और जहाँ कहीं पे मतलब दरार आया था वहाँ पर वॉल पुट्टी से फिनिशिंग कर दी है और फैब्रिक कलर से पेंट कर रहे हैं। तो पहले नॉर्मल पेंट कर लेते हैं। अब बाघ को पेंट कर दिया और नीचे में आग का डिजाइन कर रहे हैं, और ये शेर का छाला में हल्का हल्का करके व्हाइट कलर से डिजाइन कर दिए, और ये ब्लैक कलर से बाघ को कंप्लीट कर रहे हैं कपड़े का, और ये जहाँ पीला कलर से पेंट किए तो उसमें हल्का हल्का करके ऑरेंज कलर से शेडिंग कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि किस तरीके से शेडिंग कर रहे हैं, साइड साइड शेडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद बीच में ब्लैक ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे बाद में। तो बॉडी कलर में हल्के से वाइट कलर मिला करके हल्का हल्का शेडिंग कर रहे हैं बॉडी पे शिव जी के।
अब डीप शेडिंग करने के लिए साइड साइड जो ऑरेंज येल्लो और हल्का सा वाइट कलर मिला करके डीप शेडिंग करेंगे। तो डीप सेटिंग अब कर रहे हैं शिव जी के बॉडी पे। अब ब्लैक कलर से बाल को पेंट कर रहे हैं। तो नीचे में जो ब्लैक कलर छूट गया तो ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। तो आप लोग को ये जो नीचे में शिव जी के पैर के नीचे में आग का जो डिजाइन कर रहे हैं कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कंकाल जो हाथ में था उसमें वाइट कलर और ग्रे मतलब ब्लैक कलर मिलाकर ग्रे कलर से पेंट कर दिए। तिलचुल में हल्का सा फेविक्विक मिला करके कागज का तिलचुल बनाए तो उसको चिपका देंगे और गोल्डन कलर से पेंट कर देंगे। तो ये शिव जी का मूर्ति बन करके रेडी हो चुका है। और आप लोगों को ये शिव जी का मूर्ति कैसा लग रहा है कमेंट करके जो बताएं। और अभी तक जो कोई भी अमित इनक मूर्ति इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियोज़ लेकर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।